बिहार के भागलपुर जिले से फरार हुए एक अपराधी को नागपुर पुलिस ने गोपनीय जानकारी के आधार पर गिरफ्तार किया। पकड़ा गया आरोपी मोहम्मद तनवीर आलम बताया गया। वर्ष 2017 में तनवीर के खिलाफ भागलपुर जिले में विस्फोटक सामग्री और आपराधिक षड्यंत्र सहित दो धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में वह 4 वर्षों से फरार था। पिछले दिनों आरोपी तनवीर आलम ने फेसबुक पर भागलपुर के एसपी को चैलेंज किया था, जिसमें उसने लिखा था कि तनवीर हिसाब चुकता करने वापस आ रहा है, कोई उसे पकड़ कर दिखाए। इस पोस्ट से भागलपुर पुलिस भी सकते आ गई थी। इसी बीच नागपुर पुलिस के क्राइम ब्रांच यूनिट 3 को जानकारी मिली कि भागलपुर से फरार तनवीर नामक एक अपराधी अपना नाम बदलकर नागपुर में रह रहा है। खबर के आधार पर पुलिस ने अपराधी की जानकारी इकट्ठा की, साथ ही भागलपुर पुलिस से भी संपर्क किया। भागलपुर पुलिस ने जानकारी दी कि तनवीर आलम की लंबे समय से खोज चल रही है, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाला भी वही है। तुरंत क्राइम ब्रांच के यूनिट 3 ने तनवीर को हिरासत में लिया। उसके गिरफ्तार किए जाने की जानकारी भागलपुर पुलिस को दी गई है। जल्द ही एक टीम नागपुर पहुंचने वाली है। डीसीपी गजानन राजमा ने और एसीपी नलावड़े के मार्गदर्शन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया।